इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मॉब लिंचिंग के खिलाफ पूरे देश में एहतजाज किया जा रहा है। झारखंड में तबरेज अंसारी को हिंदुत्ववादी गुंडों की जानिब से तकरीबन 18 घंटे तक बिजली के खंभे को बांध कर जिस तरह से पीटा गया और जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगाने पर मजबूर किया गया, आखिर तबरेज अंसारी की मौत हुई और मोदी सरकार में आए दिन धर्म के नाम पर, तो कभी गोरक्षा के नाम पर होने वाले कत्ले आम के खिलाफ पूरे भारत देश में सख्त अल्फाजों में मजम्मत की जा रही है। तकरीबन सभी सियासी पार्टियों में देश में बढ़ती मॉब लिंचिंग की वारदातों पर अफसोस का इजहार करते हुए इसके पीछे मोदी सरकार का हाथ होने की बात कही जा रही है। सिर्फ बुधवार को ही तकरीबन भारत के 80 से ज्यादा शहरों में एहतजाज किया गया और देश में बढ़ती हुई धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की गई। अब तक आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, MIM, जमीयत उलमाए हिंद, कांग्रेस, SDPI और भी दीगर पार्टियों के लीडरान ने तबरेज अंसारी की मौत पर और देश में बढ़ते सांप्रदायिक माहौल पर चिंता जताई है। तकरीबन सभी पार्टियों का कहना एक जैसा है, क्योंकि मैं एक एक अगर लीडर का नाम लेता जाऊंगा तो काफी वक्त लगेगा, लेकिन तकरीबन जो उन्होंने बात कही है उसमें मॉब लिंचिंग हिंदुत्ववादियों के छिपे एजेंडे का एक हिस्सा है, ऐसा इनका कहना है। सभी पार्टियों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी 21 तारीख को झारखंड तो गए पर लेकिन तबरेज अंसारी का नाम उनके जबान पर आया और ना तबरेज अंसारी के घर जाकर उन्होंने उनसे बात की, लिहाजा झारखंड का जिक्र भी उन्होंने नहीं किया। लेकिन जब मॉब लिंचिंग का जिक्र किया तो फिर केरला और पश्चिम बंगाल का नाम लेने से वो नहीं चुके, जबकि हम सभी जानते हैं कि मॉब लिंचिंग के तकरीबन 200 से ज्यादा वाकये उत्तर भारत में हुए हैं और जिन रियासतों में यह मामला पेश आ रहा है सभी रियासतों में भाजपा की हुकूमत है। सभी शहरों में भाजपा सरकार का मॉब लिंचिंग के समर्थन में मिलने पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि मॉब भाजपा सरकार की हिमायत में रहे इसलिए कि जो मॉब लिंचिंग के आरोपी हैं उन्हें सरकारी नौकरियां देने तक का आरोप विपक्ष की जानिब से लगाया जा रहा है। दिगर लीडरान भी उन पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इनके पीछे सरकार है और ये सरकार की हिमायत पर ही इस तरह की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं और अब तक 200 से करीब बेगुनाहों को मारा गया है। सरकारी नौकरियां देने का ये जो आरोप लगाया गया है इस पर भी बड़ी संजीदगी से चर्चा की जा रही है। जंतर मंतर पर जबरदस्त एहतजाजी इजलास जो किया गया है उसमें कई सारे तलबा यानी कि स्टूडेंट्स का कहना है कि लोकतंत्र खत्म होने की कगार पर है और कईयों का तो कहना है कि लोकतंत्र तो 2014 में ही खत्म हो गया जब मोदी सरकार आई थी। जब लोकतंत्र की हत्या की गई तो सभी खामोश हैं इसलिए कि धर्म और जाति के नाम पर जिस तरह का बंटवारा किया जा रहा है, भारत में एक तरह की तानाशाही नजर आ रही है और एक शख्स के पीछे ये पूरी सियासत घूम रही है और एक शख्स यानी कि प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए निशाना बनाए जा रहे हैं विपक्ष और दिगर पार्टियों की जानिब से। धर्म के नाम पर और जय श्री राम का नारा लगाकर किसी धर्म विशेष को इस तरह से मारा जाना शायद इतिहास में ये पहली बार हो रहा है और इस इतिहास को आगे भी चलकर एक काले दौर के तौर पर याद किया जाएगा और ये मॉब लिंचिंग का दौर इस तरह से इतिहास में लिखा जाएगा, ऐसा भी ये तमाम एहतजाज करने वालों का कहना है। MIM झारखंड ने तबरेज अंसारी को 50,000 रुपये उसके घर वालों को मदद बतौर मदद फरमाई और कहा कि जितना भी इसका अदालत का जो खर्चा आएगा वो पूरा जब तक के मुजरिमों को सजा नहीं होती, मुजरिमों को फांसी पर नहीं लटकाया जाता तब तक खर्चा MIM झारखंड देती रहेगी, प्रवक्ता ने कहा MIM के। तो खैर मॉब लिंचिंग में दोषी पाए जाने वाले मुजरिमों को 3 साल की सजा का नया प्राविधान
राजस्थान सरकार की जानिब से यानी कि कमलनाथ सरकार की जानिब से ऐलान किया गया और बहुत बड़ा ऐलान है कि मॉब लिंचिंग में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे 3 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस तरह का ये जो गोरक्षा के नाम पर जिस तरह से पूरे देश में गुंडागर्दी की जा रही है इसके खिलाफ राजस्थान में इकदाम किया है और उन्होंने ये एक नया कानून पास किया है और ये 8 जुलाई को जो उनका सत्र शुरू होने जा रहा है विधानसभा का राजस्थान का उसमें ये नया बिल पारित किया जाएगा। गोरक्षा के नाम पर कत्ल करने वालों को 3 साल की सजा और 50,000 जुर्माना, इस नए बिल का आवाम की जानिब से भी खैर मकदम इस्तकबाल किया जा रहा है। इसी मॉब लिंचिंग को लेकर बेलगाम में भी SDPI की जानिब से बरोज जुमा एक इजलास मुनक्कद किया गया और उसी इजलास में बेलगाम DC को मुतालबा पेश किया जाएगा और ऐसे मॉब लिंचिंग के दोषियों जो मुजरिमों को सख्त सजा देने का मुतालबा बेलगाम वालों की जानिब से किया जाने वाला ऐसा SDPI की जानिब से ऐलान किया गया है। पहले सभी भारतवासी थे, पहले पूरे मुल्क में भारतवासी होने का नारा बुलंद किया जाता था लेकिन जब से मोदी सरकार आई है हिंदू मुस्लिम बन चुका है, लिहाजा इसी नफरत की खाई को और इस दरार को मिटाकर फिर से गंगा जमुनी तहजीब को आम करने की बात पूरे देश में कही जा रही है और शायद तबरेज अंसारी की मौत ने ही इस बात को हवा दी है और शायद तबरेज अंसारी की मौत जाया नहीं जाएगी, उसकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी और देश में एक माहौल बनता नजर आ रहा है, पूरे देश में एहतजाज किया जा रहा है मॉब लिंचिंग के खिलाफ। सभी धर्म विशेष, सभी धर्म जाति भाषा सभी लोग ये भूल कर एक राह पर आ चुके हैं और वो एहतजाज की राह पर सभी अपने हाथों में हाथ मिलाए इन दहशतगर्दों का, इन गुंडागर्दी करने वालों का, ये गो आतंकियों का वो सख्त अल्फाज में पुरजोर मजम्मत करें। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।